हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर स्वागत है रीजनिंग चालीसा जहां हम आ, हमारी किताब रीजनिंग चालीसा के हर चैप्टर के इम्पॉटेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को लेकर आप सबके सामने लगातार आए जा रहे हैं और हर क्लास को हम शुरुआत करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद और उनके दर्शन से तो प्यारे मित्रों आज मुंबई में स्थापित सिद्धि विनायक जी के दर्शन से हम आज की क्लास को आरम्भ करते हैं आज शायद वेंसडे भी है आज वेंसडे है ना हाँ तो आज वेंसडे यानी बुधवार भी है तो गजानंद जी महाराज एक दंत एक दंत महाराज के दर्शन के साथ सिद्धिविनायक मुंबई के दर्शन से हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा आज के टॉपिक का नाम है दोस्तों घड़ी सही से इससे पढ़ लेंगे तो हमारा घड़ी यानी हमारा समय बदल जाएगा हम जिस भी एग्जाम को दे देने वाले हैं अगर उसमें रीजनिंग आती है तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी किताब और हमारी सीरीज से बाहर कोई कंसेप्ट नहीं जाएगा ये प्रयास मैं और मेरी पूरी टीम लगातार कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को कल और पिछली दो क्लासों में हमने कैलेंडर पढ़ा था आज क्लॉक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर तरह के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे दोस्तों सबसे पहले एंगल वाले क्वेश्चन पे फिर दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब एटसेट्रा एटसेट्रा सभी तरह के क्वेश्चन को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं लगातार अगले पैंतालीस मिनट से एक घंटे आप मेरे साथ बने रहें दोस्तों सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं घड़ी की सेकेंड वाली सुई ग्यारह सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी अब देखो वैसे तो क्वेश्चन अधिकतर घंटे की सुई और मिनट की सुई पे ही बनते हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई पर ही बनते हैं पर कभी कभी सेकंड की सुई पे भी बन जाते हैं तो दोस्तों कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं यानी मिनट वाला काटा मिनट हैंड ऑफ क्लॉक तो मिनट हैंड जो होता है दोस्तों वो मिनट हैंड जो होता है वो एक मिनट में डिग्री का डिस्टेंस या छह डिग्री का एंगल कवर करता है और एक घंटे में एक घंटे में एक चक्कर पूरा यानी 360 डिग्री का चक्कर भाई बारह दो बजी हैं तो भी बारह पे है तीन बजे घूम के फिर से बारह पे चार बजे घूम के फिर से बारह पे तो एक घंटे में पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री तो जब एक घंटा यानी 60 मिनट से 360 को डिवाइड करेंगे तो छः डिग्री आएगा वैसे ही दोस्तों अगर आर हैंड की बात करूं यानी घंटों वाले कांटों की बात करूं आर हैंड ऑफ द क्लॉक की अगर बात करूं तो आर हैंड क्योंकि क्योंकि वो 12 घंटे में 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है इसलिए एक घंटे में 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व यानी एक घंटे में 30 डिग्री चलेगा 30 डिग्री चलेगा और और एक घंटा मतलब 12 से एक एक से दो दो से तीन तो धीरे धीरे चलता है तो हर मिनट में भी कुछ मूव करता है तो हर मिनट में भी जो मूव करता है तो ये कह सकते हैं कि एक मिनट में एक मिनट में तीस अपॉन साठ यानी आधा डिग्री वो कवर करता है अब जहां तक सेकेंड वाले कांटे की बात है दोस्तों सेकेंड वाला जो कांटा है यानी जो फास्टेस्ट चलता है सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड उसकी अगर बात करें तो क्योंकि वो एक मिनट में पूरा चक्कर काटता है यानी एक मिनट में 360 डिग्री चलता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक सेकंड में एक सेकंड में वो छः डिग्री ट्रैवल करता होगा एक सेकंड में वो छः डिग्री ट्रैवल करता होगा एक साठ सेकेंड को जब साठ सेकेंड से हमने तीन सौ साठ को डिवाइड किया तो वो छः डिग्री आया अब इस पर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों हमसे पूछा है कि घड़ी की सेकंड वाली सुई ग्यारह सेकंड में कितना मैंने बोला एक सेकंड में कितना सर एक सेकंड में छः डिग्री अगर एक सेकंड में छः डिग्री तो 11 सेकंड में कितने डिग्री सर 11 सेकंड में डिग्री. 66 डिग्री ऑप्शन टू सिक्स होगा आशा है सबको समझ में आ रहा होगा बहुत लल्लूसी चीज है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है पहले से याद है तो अच्छी बात है नहीं तो इसका स्क्रीन फटाफट से ले लो बाद में आपके काम आएगा अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों घड़ी के घंटे वाली सुई साठ मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों 60 मिनट का मतलब कितना हुआ एक घंटा हुआ कि नहीं हुआ और जो सेकंड वाली सुई होती घंटे वाली जो सुई होती है वो एक घंटे में बारह से एक एक से दो दो से तीन तो वो तीस डिग्री ही चलती है हमने कहा तो भाई तीस डिग्री इसका करेक्ट आंसर हुआ तीस डिग्री बोले तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर है अभी एंगल वाले क्वेश्चन इस टाइम पे कांटों के बीच का एंगल क्या होगा वगैरह सब आएगा वैसे ही पूछ रहे हैं घड़ी की छोटी सुई दोस्तों छोटी सुई मतलब कौन सी सुई घंटे वाली ना घंटे वाली ना को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया गया दोस्तों दो बजे थे तो दो चालीस तीन बजे थे तो तीन चालीस चार बजे थे तो चार चालीस पांच बजे तो पांच चालीस खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों एक मिनट में कितने डिग्री चलती है वो सर एक मिनट में आधा डिग्री चलती है छोटी सुई मतलब घंटे वाली तो वो तो आधा मिनट ही चलती है तो आधा आधा डिग्री चलती है एक मिनट में एक मिनट में आधा डिग्री तो 40 मिनट में कितने डिग्री सर 20 डिग्री 20 डिग्री बोले तो ऑप्शन थ्री यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा विराट ज्ञानेंद्र शिवी माही रिचा प्रिया पूजा विशाल ऑलराउंडर अनु मैंगेजिंग अमरेश अनिल अक्कील सबको नमस्कार भैया ठीक है अब क्वेश्चन है घड़ी की मिनट वाली सुई 40 मिनट आगे घुमाई गई तो कितने डिग्री का करेगी दोस्तों मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री सर एक मिनट में छः डिग्री तो 40 मिनट में कितना डिग्री सर 40 इंटू छः दो डिग्री 240 डिग्री बोले तो ऑप्शन फोर तुम्हारा करेक्ट आंसर है आ, कौशल मीना थैंक यू भाई सबको समझ में आ रहा है अभी तो शुरू भी नहीं हुआ एक तरीके से आप बोल सकते हैं पर इस क्वेश्चन से अब शुरू हुआ है क्या है बोले छः पर दोनों कांटों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा दोनों कांटों के बीच का एंगल यानी वो कह रहे हैं कि छह पैंतालीस कैसे दिखती है सर छह पैतालीस कुछ ऐसे दिखता है तो आपको ये वाला एंगल बताना है दोस्तों जब भी आपको ये वाला एंगल बताना हो यानी दोनों कांटों के बीच का एंगल बताना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है 11 इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन टू आंसर कभी कभी नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव में ही उसे मानना है मान लो आंसर आया नेगेटिव 110 डिग्री तो भी उसे पॉजिटिव 110 डिग्री मानना है यानी कुछ किताबों में 60 इंटू घंटे माइनस ग्यारह इंटू मिनट लिखा होगा बात एक ही है इन दोनों को माइनस करना है दो से डिवाइड करना है आंसर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए इसलिए मॉड का साइन लगाता हूं कि आंसर पॉजिटिव लेना है अब छ पर तो ग्यारह इंटू मिनट माइनस साठ इन टू घंटे घंटे कितने थे अपॉन दो ग्यारह इंटू पैतालीस कितना होता है फोर नाइनटी फाइव अच्छा अब देखो ग्यारह से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई अगर करना हो तो आंसर कैसे आएगा देखो चार और पांच का चार और पांच लिख दो चार और पांच को जोड़ के कितना आता है सर नौ आता है तो ये क्योंकि घड़ी में बार बार काम आ रहा है इसलिए समझा रहा हूं ठीक है माइनस तीन सौ साठ बटा दो तो इससे आया एक सौ पैंतीस 135 डिग्री का मतलब हुआ 67.5 डिग्री 135 सौ बटा दो सिक्सटी डिग्री ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है सुमित्रा का राधा ज्ञानेंद्र ट्रू लाइन ये क्या टू लाइन ट्रू लाइन क्या लिखते हो अपना नाम लिखो भाई राजेश बिल्कुल ठीक है समझ में आ रहा है सबको 11 इंटू मिनट माइनस आठ इंटू घंटे अपॉन टू अगला क्वेश्चन किसी घड़ी में पांच बज के दस मिनट हो रहे हैं टाइम क्या हो रहा है दोस्तों पाँच बज के दस मिनट हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा फिर से वही क्वेश्चन अब क्वेश्चन है ग्यारह इंटू मिनट ग्यारह इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन टू तो ग्यारह इंटू मिनट मिनट कितने हैं दस माइनस साठ इंटू घंटे घंटे कितने हैं पाँच अपॉन टू तो यार एक सौ दस माइनस तीन सौ अब 110 माइनस 300 का मतलब माइनस एक हुआ पर अपने को माइनस का लोड नहीं लेना है माइनस का लोड नहीं लेना है आंसर पॉजिटिव ही देना है पांसर पॉजिटिव 11 तो इंटू मिनट माइनस साठ इंटू घंटे अपॉन टू तो 190 नाइनटी अपॉन टू नाइन्टी डिग्री होना चाहिए गलती से ऑप्शन में डिग्री नहीं लिखा हुआ अच्छा 95 डिग्री नहीं हुआ तो क्या करें 95 डिग्री नहीं लिखा हुआ अब या तो मैं ये सोचूं कि इसमें गलती है इसमें गलती है तो छोड़ देता हूं पर ऑप्शन में देखो एक 265 डिग्री है अब पाँच बज के दस मिनट का मतलब क्या होगा दोस्तों ध्यान से देखना ये पाँच बज के दस मिनट का मतलब लगभग ऐसा कोई टाइम ये वाला एंगल आपका 95 फाइव डिग्री है मानता हूँ यही आंसर होना चाहिए पर ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे वक्त पे ये वाला ऑप्शन ये वाला आंसर भी तो एंगल ही बता रहा है अब पूरा सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है सर पूरे सर्कल में एंगल बनता है 360 डिग्री का तो ये वाला कितना हुआ सर 360 सौ साठ माइनस नाइन्टी यानी दो डिग्री दो डिग्री बोले तो ऑप्शन वन यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है बिल्कुल सही 95 ही करेक्ट है अगर सपोज करो यहां 95 की 85 की जगह 95 होता अब 95 भी है और दो भी है तो भी ज्यादा सही 95 होता पर क्योंकि 95 फाइव ऑप्शन में नहीं है तो उसका जो वर्टेक्स एंगल होता है वृहत कोण जिसे हिंदी में बोलते हैं 360 में से घटा के वो भी एक करेक्ट आंसर है वो भी तो एंगल है उन दोनों के बीच का तो आपका आंसर 265 डिग्री करेक्ट हुआ अगले क्वेश्चन पे चलता हूं अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना दो तीन पॉइंट्स लिखा के समझा रहा हूं दोस्तों अब यह जो अपना आ, तीन डिग्री आ, दोनों कांटों के बीच का एंगल बताओ तो दोनों कांटों के बीच का एंगल तो जीरो डिग्री से लेकर 360 डिग्री के सारे एंगल बनते हैं सारे एंगल बनते हैं पर कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं गाइस क्या होते हैं स्पेशल एंगल कौन कौन से स्पेशल एंगल होते हैं जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है उसे मेरी बात को समझें उसे मेरी बात को समझें जैसे मे बी इट इज द इट इज़ द एंगल ऑफ जीरो डिग्री मे बी इट इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री या हो सकता है 90 डिग्री अब इन तीन के बारे में इन तीन के बारे में स्पेशली क्वेश्चंस पूछते हैं कैसे पूछते हैं दो तीन तरह से पूछते हैं एक एक करके समझाऊंगा पहले थोड़ी थ्योरी समझ लो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें स्पेशल कोण कहा गया है क्यों स्पेशल कोण कहा गया है क्योंकि दोनों कांटों के बीच का एंगल जब जीरो डिग्री होगा कौशल ध्यान से सुनना जब जीरो डिग्री होगा तो दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर होंगे ये स्पेशल सीन है एक सौ अस्सी डिग्री मतलब एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के अपोजिट जैसे छः बजे होते हैं ऐसे और भी कई जगह होते होंगे तो ये स्पेशल चीज है वैसे ही नब्बे डिग्री जैसे तीन बजे या नौ बजे होते हैं तो ये भी एक स्पेशल केस है तो स्पेशल केस के बारे में स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं वो जरा गौर से देखो पहले तो जीरो डिग्री को वो क्या बोल सकते हैं दोनों जीरो डिग्री को वो बोलते हैं कि एक दूसरे दुस, के संपाती होते हैं क्या होते हैं संपाती होते हैं यानी ओवरलैप करते हैं या बोल सकते हैं एक सीध में होते हैं एक दिशा में होते हैं एक दिशा में होते हैं या होते या बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या बोल सकते हैं दोस्तों कि जीरो डिग्री के एंगल पे होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं यानी क्वेश्चन में अगर जीरो डिग्री नहीं कहा है तो इनमें से कोई नाम लिया होगा तो भी चलेगा अच्छा अब ये होता कब कब है तो अब ध्यान से सुनना हर घंटे में एक बार होता है अब आपके मन में आएगा अरे हर घंटे में एक बार होता है ये तो सर ने गलत पढ़ाया मैंने कहा गलत क्यों पढ़ाया कि सर अगर हर घंटे में एक बार होता है तो कैसे हुआ ये समझाओ मैंने बोला सपोज करो दो बजी हैं कितनी बजी हैं दो दो ऐसे बजती हैं बड़ा वाला कांटा तो फास्ट है इसे एक घंटे में घूम के यहाँ से यहां आना है पर छोटे वाले कांटे को तो अगले एक घंटे में केवल यहाँ तक आना है अब क्योंकि एक धीरे चल रहा है एक तेज चल रहा है तो इसके ऊपर से कूद के आना पड़ेगा इसके ऊपर से कूद के आएगा यानी एक क्षण ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे यानी जीरो डिग्री का एंगल बनाएंगे वैसे ही तीन बजे के बाद भी होगा चार बजे के बाद भी होगा अब हर घंटे में एक बार हो रहा है तो बारह घंटे में बारह बार होना चाहिए पर बारह घंटे में ग्यारह बार ही बनता है बारह घंटे में ग्यारह बार ही बनता है आपने बोला सर ये कैसे हुआ ये समझ नहीं आया एक घंटे में एक बार तो बारह घंटे में बारह बार होना चाहिए इसका कारण समझो इसका कारण समझो बारह घंटे में ग्यारह बार क्यों होता है दोस्तों अभी सपोज करो ग्यारह बजी है कितनी बजी है ग्यारह ग्यारह ऐसे बजती हैं अब ये वाला कांटा इधर गया इधर गया यहाँ पे आया यानी ग्यारह पचपन हो गए पर ग्यारह पचपन पे ये छोटा वाला कांटा तो ऑलमोस्ट बारह पे आ चुका होगा ना बारह बजानी नहीं ऐसे भी तो तो ये और फास्ट होके आया जैसे ही बारह पे आया दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे के ऊपर आ गए बारह बजे अब ग्यारह से बारह में बारह बजे आए मान लिया अब फिर से ये बिछड़े बारह बजे के बाद छोटा वाला कांटे को तो अगले एक घंटे में केवल यहां आना है बड़ा वाला कांटा दौड़ के गया दौड़ के गया एक घंटे बाद वो एक बजे बारह पे आया तब तक छोटा वाला काटा एक पे जा चुका था तो 12 से एक बजे के बीच में उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर आने का मौका नहीं मिला क्यों तो 12 घंटे में वो एक घंटा कैंसिल हो गया यानी आप ये बोल सकते हो कि 12 से एक बजे ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कुछ किताबों में लिखा है कि 11 से 1 बजे के मध्य अब 11 से 1 बजने का मतलब दो घंटे हुआ तो 11 से 1 बजे के मध्य ऐसा एक बार होता है मैंने कहा आपको जो याद करने को बोल रहा हूँ वो आपके काम आएगा इसलिए सुन लो तो ग्यारह बारह से 1 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता अच्छा 12 घंटे में 11 बार तो एक दिन में कितनी बार सर बारह घंटे में ग्यारह बार तो बारह घंटे का डबल चौबीस घंटा तो चौबीस घंटे में ग्यारह का डबल बाईस बार ग्यारह का डबल बाईस बार समझ में आई बात आपने बोला हाँ सर आई वैसे अगर 180 डिग्री की बात करूं तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी विपरीत हैं या हो सकता है अधिकतम दूरी पर है किस पे हैं अधिकतम दूरी पर है अधिकतम दूरी पर है या हो सकता है सीधी रेखा में है सीधी रेखा में है या हो सकता है तीस मिनट की दूरी पर है अब तीस मिनट की दूरी कैसे हुई जैसे सपोज करो कि बारह और 6 के बीच में कितनी दूरी होती है तीस मिनट या एक मिनट में छः डिग्री का एंगल बनता है तो तीस इंटू छ एक सौ अस्सी डिग्री तो ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं अब इसकी बात करते हैं दोस्तों ये भी हर घंटे में एक बार होगा ये भी हर घंटे में एक बार होगा अब हर घंटे में एक बार हुआ तो फिर 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए पर 12 घंटे में 12 बार नहीं 12 घंटे में केवल 11 बार ही होगा 12 घंटे में केवल 11 बार ही होगा फिर से पूछो ये कारण मैंने कारण बताता हूँ पहले एक बात बताओ 12 घंटे का डबल 24 घंटा यानी एक दिन तो 11 का डबल 22 बार 11 का डबल 22 बार अब ये एक घंटा हमने कहाँ खा लिया तो मैंने कहा सुनो जैसे सपोज करो चार बजिए चार तो चार बजे तो काटा लगभग पांच बजने से थोड़ी देर पहले अपोजिट आएगा पर जब पांच बज जाएंगी इस काटे ने कहा मैं आ रहा हूं तेरे अपोजिट क्रॉस करके गया जैसे ही बारह पे आया ये काटा छ पे आया और ये एक, एक दूसरे के अपोजिट हो गए अब क्योंकि अब छ बजे एंगल एक डिग्री है अब जब सात बजेंगी यह काटा घूम के गया एक घंटे बाद सात पे पहुंचा तब तक वापस एंगल 180 डिग्री नहीं बन पाया तो छह से सात बजे के मध्य छ से सात बजे ऐसा नहीं होता कुछ किताबों में लिखा होता है पांच से सात बजे के मध्य ऐसा एक ही बार होता है मैंने कहा आपको जो याद करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा उस पर डिपेंड करता है तो उसके लिए आपको याद रखना है छह से सात बजे के बीच में ऐसा नहीं होता अब आपके दिमाग में रहना चाहिए सर ये याद कैसे करूं कब नहीं होता मैंने कहा एक बात बताओ जीरो डिग्री यानी एक दूसरे को चिपक के बैठना इसका बेस्ट टाइम कौन सा है सर जीरो डिग्री चिपकने का बेस्ट टाइम बारह बजे है तो जो बेस्ट टाइम है उसका अगला घंटा कौन सा होता है सर बारह से एक वाला तो बारह से एक ऐसा नहीं होता दोस्तों 180 डिग्री का बेस्ट टाइम कौन सा है सर छह बजे वाला तो छह बजे का अगला घंटा क्या है सर छह से सात है तो तब ऐसा नहीं होता बात समझ में आई क्या अब तीसरी चीज आती नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री को क्या क्या लिख सकते हैं सर नब्बे डिग्री को लिख सकते हैं लंबवत होना लंबवत होना यानी परपेंडिकुलर होना यानी परपेंडिकुलर होना या बोल सकते हैं समकोण बनाना यानी राइट एंगल पे होना या बोल सकते हैं पंद्रह मिनट की दूरी पर होना या बोल सकते हैं पंद्रह मिनट की दूरी पर होना क्योंकि एक मिनट में छह डिग्री का गैप होता है तो छह इंटू पंद्रह नब्बे डिग्री कई बार पंद्रह मिनट की दूरी का क्वेश्चन बोलते हैं तो उसका मतलब नब्बे डिग्री होता है अब ये घंटे में एक बार ये घंटे में एक बार तो ये भी घंटे में एक बार होना चाहिए पर ये घंटे में दो बार होता है कैसे हुआ देखो सपोज़ करो दोस्तों सपोज करो एक बजिए तो ये कांटा दौड़ के जाएगा थोड़ी देर बाद नब्बे डिग्री बनाएगा घूम के वापस जाएगा दो बजने वाली होंगी तब एक बार फिर से नब्बे डिग्री बनाएगा यानी नब्बे डिग्री दो बार बनता है एक बार पास जाते वक्त और एक बार दूर जाते वक्त नब्बे डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनता है दो बार अगर एक घंटे में एक घंटे में दो बार ऐसा होता है तो बारह घंटे में बारह दुनी चौबीस बार होना चाहिए पर यहां पे बारह बाईस बार ही होता है चौबीस बार नहीं होता है उसका कारण क्या है समझाता हूं पर पर पहले तो ये समझो कि 12 घंटे का डबल 24 घंटा यानी एक दिन तो 22 का डबल 44 22 का डबल 44 यहां तक कोई डाउट है अब सुनो जीरो डिग्री कब नहीं बनता सर जीरो डिग्री का बेस्ट टाइम 12 बजे है आंख बंद करके सोचा 12 बजे है तो 12 का अगला 12 से एक में ऐसा नहीं होता एक सौ अस्सी डिग्री का बेस्ट टाइम क्या है छे तो उसका अगला घंटा सर छ से सात ऐसा नहीं होता नब्बे डिग्री का बेस्ट टाइम क्या है सर नब्बे डिग्री का बेस्ट टाइम तीन बजे भी है और नौ बजे भी है तीन बजे भी है और नौ बजे भी है तो तीन बजे और नौ बजे, बजे के अगले घंटे कौन से हुए सर तीन से चार और नौ से दस इन दो घंटे में दो दो बार नहीं केवल एक एक बार होता है तो इन दोनों घंटे के दो दो की जगह एक एक हुआ तो इन दोनों का मिला के दो कम किया तो चौबीस का बाईस हो गया बात समझ में आई अब ये पॉइंट्स आपको याद रखना है जीरो डिग्री के नाम क्या है एक घंटे में एक बार बारह घंटे में ग्यारह बार एक दिन में बाईस बार बारह से एक नहीं होता एक सौ अस्सी डिग्री के नाम क्या है एक घंटे में एक बार बारह घंटे में ग्यारह बार एक दिन में बाईस बार छः से सात ऐसा नहीं होता नब्बे डिग्री सर एक घंटे में पहले नाम क्या है उसके एक घंटे में दो बार बारह घंटे में बाईस बार एक दिन में चवालीस बार और आ, तीन से चार और नौ से दस दो दो बार ना हो के एक, एक बार होता है क्या ये बात सबको समझ में आई ये पॉइंट्स आपको याद रखना है एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोगों को हटा देना ठीक है, ओके अब क्वेश्चन इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है पहले उसकी बात करता हूं फिर टाइम वाला भी करेंगे ठीक है फिर टाइम वाला भी करेंगे क्वेश्चन देखो दोस्तों सीधे एक बार 20 पे जंप कर रहा हूं जो पढ़ाया है उस पे क्वेश्चन है 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेगी यानी एक दूसरे के ऊपर होगी यानी जीरो डिग्री पे होगी अब सिंपल सा फैक्ट है सर जीरो डिग्री सर एक घंटे में एक बार बारह घंटे में 11 बार 1 दिन में 22 बार तो आपसे 24 घंटा यानी एक दिन बोल रहे हैं तो एक दिन में 22 बार ये अपना करेक्ट आंसर हुआ ये अपना करेक्ट आंसर हुआ जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन है सुबह नौ बजे से रात दस बजे के मध्य के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सुबह नौ बजे से रात दस बजे के बीच अब सुबह नौ से रात दस कितने घंटे होते हैं सर ये तेरह घंटे होते हैं ये कितने घंटे होते हैं तेरह घंटे होते हैं अब ध्यान से मेरी बात सुनना सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे एम से पी एम ये कितने घंटे हो गए सर ये हो गए बारह घंटे और फिर नौ बजे से दस बजे ये कितने घंटे हो गए सर ये एक घंटा हो गया ध्यान से मेरी बात को सुनना ये ड्यूरेशन बहुत लंबी भी हो सकती है ये ड्यूरेशन बहुत लंबी भी हो सकती है बहुत लंबी हो मतलब तीन चार पांच दिन हो तो पहले दिन में टुकड़े करो फिर बारह घंटे में टुकड़े करो और फिर छुट्टे घंटे दो पांच तीन चार जितने बचेंगे वो लेना है ठीक है अब आप मुझे बताओ कितने डिग्री की बात चल रही है सर 180 डिग्री की बात चल रही है 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार सर 12 घंटे में 11 बार जय माता दी हो गया ठीक है और एक घंटे में कितनी बार सर एक घंटे में एक बार बशरते एक घंटे में एक बार का मतलब एक बार बशर्ते वो घंटा अपवाद वाला घंटा ना हो वो घंटा अपवाद वाला एक्सेप्शन वाला घंटा ना हो 180 डिग्री एक घंटे में एक बार कब नहीं बनता है सर छह से सात बजे के बीच में नहीं बनता है क्या ये छह से सात बजे के बीच में है नौ और दस के बीच में छ और सात आता है क्या नहीं आता सर तो ये एक और करेक्ट है तो 11 और एक कितना आंसर आया दोस्तों आपका 12 बार आया कितना आंसर आया 12 बारह आया 11 बार नहीं सुमित्रा होगा आंसर बात समझ में आ रही है अब आप कहेंगे सर 6 से 7 यहां तो बजी थी तो उसका अपने आप कम हो गया 12 घंटे है तो वो कोई भी 12 घंटे हो 8 से 8 का 12 घंटा हो 2 से 2 का 12 घंटा हो वो आपने जो 11 22 याद किए हैं उसके हिसाब से होगा एक लंबी ड्यूरेशन का एग्जाम्पल देता हूं क्वेश्चन है सोमवार रात आठ बजे या शाम सात बजे से गुरुवार दोपहर दो, दो बजे तक नाइन्टी डिग्री कितनी बार बनेगा अब इसको दोस्तों तसल्ली से सुनना ठीक है इसको आप तसल्ली से सुनना कुछ दिन का गैप है तो पहले डेज फिर बारह घंटे अगर होते हैं तो और फिर छुट्टे घंटे तीन चीजें हैं डेज बारह घंटे छुट्टे घंटे ठीक है सर तो सोमवार शाम सात बजे दोस्तों मंडे शाम सात बजे से पहले पूरे दिन बताओ यानी शाम की सात कब तक बची सर ट्यूसडे की शाम की सात आई वेंसडे की शाम की सात आई थर्सडे की शाम की सात नहीं दोपहर में ही है तो वेंसडे की शाम की सात बजी दोस्तों वेंसडे की शाम की सात बजी तो ये कितने दिन हो गए सर ये दो दिन हो गए ये दो दिन हो गए अब बारह घंटे वाली ड्यूरेशन पे आओ वेंसडे की शाम की सात है तो क्या गुरुवार की शाम की सात बजानी है या उससे पहले रुकना है सर गुरुवार की तो दोपहर तक जाना है यानी गुरुवार की सुबह की सात तो बजानी है तो ये कितने घंटे हो गए सर ये बारह घंटे हो गए अब छुट्टे घंटे पे आते हैं दोपहर दो बजानी है दोपहर दो बजे बीच में बारह बजे का ब्रेक लगाओ तो सेवन ए एम से बारह बजी और बारह से फिर दो बजी टू पी एम ये हो गए पांच घंटे और ये हो गए दो घंटे कौन से एंगल की बात चल रही है सर 90 डिग्री की बात चल रही है 90 डिग्री एक दिन में कितनी बार सर चौवालीस बार तो दो दिन में कितनी बार सर 88 बार 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार सर 22 बार कोई टेंशन नहीं लेना है कितनी बार जो याद है बस वो वो टाइम बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सब नहीं अब सात से बारह दोस्तों सात से बारह मुझे एक बात बताओ सात से बारह कितने घंटे हुए सर पांच घंटे हुए नब्बे डिग्री एक घंटे में कितनी बार सर एक घंटे में दो बार तो पांच घंटे में कितनी बार सर दस बार बस छुट्टे घंटों के वक्त ये याद रखना कि अपवाद बीच में नहीं आना चाहिए मतलब ये दस करेक्ट होगा बस एक बार चेक करो कि वो एक्सेप्शन वाले घंटे आ रहे हैं क्या नब्बे डिग्री का एक्सेप्शन क्या क्या है सर तीन से चार है और नौ से दस है हर एक्सेप्शन का एक कम होगा सात से बारह में तीन से चार आता है क्या नहीं आता सात से बारह में नौ से दस आता है क्या सर सात से बारह में नौ से दस आता है तो उसका एक कम दोनों अपवाद आते तो दो कम करते एक अपवाद ही आया तो एक कम किया अच्छा एक में एक बार, तो दो घंटे में कितनी बार सर चार बार अपवाद तो नहीं आया बारह से दो में तीन से चार आता है क्या सर बारह से दो में तीन से चार नहीं आता बारह से दो में नौ से दस आता है क्या सर नहीं आता तो एक भी अपवाद नहीं आता तो कुछ माइनस नहीं करना है बस इनको जोड़ना है और आपका आंसर आएगा 88 एट प्लस बाईस एक सौ दस एक सौ दस प्लस चार एक सौ चौदह एक सौ चौदह प्लस नौ एक सौ तेईस तो वन ट्वेंटी थ्री टाइम्स अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ट्वेंटी थ्री बिल्कुल करेक्ट है बात समझ में आ रही है कैसे करना है तो टुकड़े टाइम ड्यूरेशन के टुकड़े करने हैं डेज में फिर बारह घंटे में और फिर छुट्टे घंटे में छुट्टे घंटे में भी बीच में बारह वाला स्लॉट गैप में दिखाओगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा समझ में आ रही है बात जैसे भूमिका ने आंसर 115 सौ पंद्रह दिया तो वो गलत हो गया ना 123 करेक्ट है सर दोबारा बताओ शुरू से एक और क्वेश्चन करवा दूंगा ना इसी को दोबारा क्यों बताएं बाकी ने समझ लिया टाइम पे जुड़े थे क्लियर है गाइस है ना जैसे एक और क्वेश्चन कराता हूं क्वेश्चन है मंगलवार शाम पांच बजे से शनिवार रात ग्यारह बजे के बीच कितनी बार दोनों काटे विपरीत होंगे कितनी बार दोनों काटे विपरीत होंगे बताओ फटाफट से अब इस टाइम ड्यूरेशन के टुकड़े करने हैं पहले डेज में फिर बारह घंटे में और फिर छुट्टे घंटे में ठीक है पहले तो मुझे बताओ मंगलवार की शाम पाँच बजी है मंगलवार की शाम पाँच बजी है तो शाम की पांच कब तक बजाऊं शनिवार की शाम की पांच बज गई क्या सर शनिवार की शाम की पांच क्या रात की पांच बज गई रात की ग्यारह बजी है तो शाम की पाँच तो बजी है यानी शनिवार को शाम की पाँच बजानी है सर शाम की पांच से शुरू हुआ तो शाम की पांच लास्ट कब तक आ रही है और ट्रैक किया तो शनिवार को रात ग्यारह बजानी तो शाम की तो ग्यारह बजी सा, शाम की पांच तो बजेंगी ये कितने दिन हुए सर बुद्ध गुरु शुक्र शनि सर चार दिन हो गए कितने दिन हो गए चार दिन हो गए फोर डेज अच्छा फिर शाम की पांच से अगले दिन सुबह की पांच बज रही है क्या नहीं सर रात को ग्यारह बजे रुकना है मतलब बारह घंटे का ड्यूरेशन नहीं आ रहा पाँच से केवल रात की ग्यारह बजानी है तो ये कितने घंटे हो गए सर ये छह घंटे हो गए बात चल रही है विपरीत होने की विपरीत होने का मतलब 180 डिग्री होता है जिसका एक्सेप्शन है छह से सात पहले दिन पे आता हूं 180 डिग्री का एंगल एक दिन में कितनी बार सर 22 बार तो चार दिन में कितनी बार सर चार दिन में अठासी बार पहले अपवाद का मत सोचना एक घंटे में कितनी बार सर एक बार तो छः घंटे में कितनी बार सर छः बार बस जब छुट्टे घंटे की कैलकुलेशन करो तब एक्सेप्शन बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करना जब आप दिन की कैलकुलेशन करो तो एक्सेप्शन का नहीं सोचना है क्योंकि एक्सेप्शन मिला के ही वो बाईस चौवालिस सब आया है बारह घंटे में भी अपवाद का नहीं सोचना है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करने के बाद ही एक बारह घंटे में ग्यारह बार की कैलकुलेशन आई है सिर्फ छुट्टे घंटे के वक्त पे चेक करो कि पांच से ग्यारह के बीच में छह से सात आता है क्या सर पांच से ग्यारह में जाऊंगा तो छह से सात आएगा छह सात आठ नौ दस ग्यारह आएगा अपवाद आया एक बार तो एक अपवाद का एक कम किया यानी एटी एट प्लस फाइव नाइन्टी थ्री करेक्ट हुआ और ये नाइन्टी थ्री आपका करेक्ट आंसर है वेरी नाइस एटी एट प्लस सिक्स नहीं एटी एट प्लस फाइव यहां छह में से एक कम होगा याद रखना ये एक्सेप्शन जो अपवाद है ये सिर्फ छुट्टे घंटे पांच घंटे तीन घंटे छह घंटे सात घंटे आठ घंटे केवल उस वक्त दिमाग में रखना है उसके अलावा नहीं रखना है क्लियर है गाइस ठीक है आगे बढ़े ओके वेरी नाइस अब इसको चेंज करते हैं अब इसको चेंज करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो कौन सा एंगल कितनी बार बन रहा है कौन सा एंगल कितनी बार बन रहा है ये पढ़ लिया कौन सा एंगल कब बनेगा ये पढ़ लेते हैं ये पढ़ लेते हैं अब पहले घड़ी सुइयाँ एक साथ होंगी एक साथ होंगी का मतलब जीरो डिग्री की बात चल रही है लंबवत होंगी परपेंडिकुलर होंगी राइट एंगल बनाएंगी समकोण बनाएंगी का मतलब 90 डिग्री की बात चल रही है एक दूसरे के विपरीत होंगी का मतलब 180 डिग्री की बात चल रही है क्वेश्चन है छे और सात बजे के बीच में जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा इस पे थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं जरा ध्यान से सुने और बहुत सटीक चीज बता रहा हूँ गौर से सुनना। एक मिनट में एक बहुत सटीक चीज तरीका समझा रहा हूं सुने सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन है की बताओ चार से पांच बजे जीरो डिग्री कब बनेगा यह क्वेश्चन है नौ से दस बजे जीरो डिग्री कब बनेगा यह क्वेश्चन है दस से ग्यारह बजे जीरो डिग्री कब बनेगा कब बनेगा पे कितनी बार बनेगा पे नहीं कब बनेगा अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो दोस्तों जीरो डिग्री आंख बंद करके बताओ जीरो डिग्री कब बनता है परफेक्ट जो तुम्हें पता है सर परफेक्ट तो बारह बजे बनता है हर घंटे में एक बार बनता है पर उसका टाइम अपने को पता नहीं होता ना जैसे सपोज करो कि चार से पांच बजे के बीच में तो ऐसे बनेगा चार से पांच बजे के बीच में यानी चार बज के कुछ पैंतालीस पचास पचपन मिनट के आसपास बनेगा एग्जैक्ट नहीं पता तो जी, जीरो डिग्री का आइडियल टाइम क्या है सर बारह बजे है तो अब ध्यान से सुनना बारह बजे से एच वन की क्लॉकवाइज दूरी इंटू साठ बटा ग्यारह खत्म साठ बटा गया देखो घड़ी बनाई मैंने क्या बनाई घड़ी घड़ी बनाई बारह बजे से एच वन एच वन मतलब चार से पांच बोल रहा है तो एच वन चार हुआ पांच से छह बोले तो एच वन पांच हुआ नौ से दस बोले तो एच वन नौ हुआ दस से ग्यारह बोले तो एच वन दस हुआ अब आप मुझे बताओ बारह से चार की क्लॉकवाइज दूरी कितनी होती है सर एक दो तीन चार होती है तो बस साठ बटा ग्यारह को चार से मल्टीप्लाई कर लो यानी दो सौ चालीस बटा ग्यारह बोले तो इक्कीस सहित नौ बटा ग्यारह इसका मतलब क्या हुआ इक्कीस सहित नौ बटा ग्यारह मिनट की वैल्यू आई चार से पाँच जैसे देखो अभी क्या टाइम हो रहा है अभी बज रही है दोस्तों सवा एक बज रही है ना तो एक से दो के किसी भी टाइम को क्या कहा जाएगा एक बजकर पंद्रह मिनट एक बज के चौदह मिनट वैसी चार और पांच बजे के बीच के टाइम को क्या बोला जाएगा सर बोला जाएगा चार बजकर इक्कीस सहित नौ बटा ग्यारह तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ ये आपका करेक्ट आंसर हुआ जैसे नौ से दस बजे जीरो डिग्री कब बनेगा तो मैंने क्या कहा जीरो डिग्री का आइडियल टाइम क्या होता है आंख बंद करके याद किया जीरो डिग्री तो बारह बजे बनता है तो बारह बजे से नौ बजे यानी एच वन की क्लॉकवाइज दूरी क्लॉकवाइज दूरी मतलब ऐसे चेक करना है ये तीन घंटे नहीं करने हैं ऐसे चेक करना है तो नौ घंटे आया कि नहीं आया तो बस साठ बटा ग्यारह को नौ से मल्टीप्लाई किया आया पांच सौ चालीस बटा ग्यारह यानी फोर्टी नाइन वन बाय इलेवन तो वो तो मिनट की वैल्यू है नौ बज के फोर्टी नाइन वन इलेवन अब आप कहोगे कि सर बारह से चार की दूरी तो चार घंटे ही आती है बारह से बारह से नौ की दूरी तो नौ घंटे ही आती है बारह से दस की दूरी तो दस घंटे ही आती है तो ये क्लॉकवाइज चेक करना ये क्यों लिखे सीधे बोलो चार से पांच बोल रहा है तो साठ बटा ग्यारह इंटू चार साठ बटा ग्यारह इंटू नौ साठ बटा ग्यारह इंटू दस मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो यह तुम अपने आप समझ जाना मैं ये रटवा नहीं रहा क्यों नहीं रटवा रहा कि अब जीरो डिग्री नहीं सपोज करो कि मैंने बोला एक सौ अस्सी डिग्री कब बनेगा क्या पूछा मैंने एक सौ अस्सी डिग्री तो जो लॉजिक समझाया उस लॉजिक से समझना एक सौ अस्सी डिग्री मतलब विपरीत जीरो डिग्री में बारह से चेक करते थे क्योंकि जीरो डिग्री का आइडियल मानक समय जो है वो बारह बजे का है आंख बंद करके सोचा वैसे एक सौ अस्सी डिग्री का मानक समय क्या है सर एक सौ अस्सी डिग्री का मानक समय छ बजे है तो यहां पे क्या करना है दोस्तों छ बजे से ध्यान से सुनना छ बजे से एच वन की क्लॉकवाइज दूरी को साठ बटा ग्यारह से मल्टीप्लाई करना ताकि आपका कंसेप्ट ना बदले इसलिए मैंने बारह बजे से चेक करो बोला है तो यहाँ पे भी छह बजे से चेक करो एक सौ अस्सी डिग्री बोल रहा है तो छह से चेक किया अब दस बजे दोस्तों छह से दस की क्लॉकवाइज दूरी कितनी होती है सर छह से दस बजे की क्लॉकवाइज दूरी चार घंटे होती है तो बस साठ बटा ग्यारह इंटू चार यानी दो सौ चालीस बटा ग्यारह यानी यानी इक्कीस सहित नौ बटा ग्यारह तो अपना आंसर हो गया दस बज के इक्कीस सहित नौ बटा ग्यारह तो जब जीरो डिग्री में चार ही आएगा नौ ही आएगा पर 180 डिग्री में वो चार और नौ और दस नहीं रहेगा क्योंकि तब छह से चेक करना है तो कंसेप्ट है कि छह से चेक करना है बारह से चेक करना है बात समझ में आई कि नहीं आई आपने बोला आई सर तो बस ये अपने को ऐसे करना है जैसे अपने से कहते एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन है दो से तीन बजे 180 डिग्री कब बनेगा तो अगर जीरो डिग्री होगा तो 12 बजे से दो की दूरी दो घंटे होती है पर 180 डिग्री बोल रहा है तो अपने को चेक छह बजे से करना है किसको दो बजे को H1 को एच वन की दूरी तो ये सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो यानी ये आठ घंटे आई दोस्तों कितने घंटे आई आठ घंटे तो साठ बटा ग्यारह इंटू आठ यानी चार सौ अस्सी बटा ग्यारह यानी फोर्टी थ्री सेवन बाय इलेवन तो अपना आंसर क्या हुआ दोस्तों ये तो मिनट की वैल्यू है दो बज के तेलिस सहित सात बटा ग्यारा। बात समझ में आई कि नहीं आई चार तीन ठीक है तो कंसेप्ट है अब जीरो डिग्री में बारह से चेक करते हैं एक सौ अस्सी डिग्री में छह से चेक करते हैं वैसे ही अगर आपसे पूछ ले <coughs> वैसे ही अगर आपसे पूछ ले कि वैसे अगर आपसे पूछ ले कि पांच से छ बजे के बीच 90 डिग्री कब बनेगा या आपसे पूछ ले कि दस से ग्यारह बजे के बीच 90 डिग्री कब बनेगा? आपने कहा सर जीरो डिग्री में तो बारह से चेक करते थे एच वन को एक सौ अस्सी डिग्री में छह से चेक करते थे वैसे ही सर नाइन्टी डिग्री में तो दो आइडियल टाइम होते हैं तीन भी आइडियल होता है और नौ भी आइडियल होता है तो सर किससे चेक करें मैंने बोला एक बात बताना जीरो डिग्री कितनी बार बनता है एक घंटे में सर एक बार तो एक बार ही चेक करना था 180 एक डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनता है सर एक बार तो एक बार ही चेक करना था 90 डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनता है सर दो बार बनता है तो चेक दो बार करेंगे यानी मेरे दोस्त ध्यान से सुनना तीन ध्यान से सुनना तीन और नौ से H1 की क्लॉकवाइज दूरी इंटू साठ बटा ग्यारह अब ये साठ बटा ग्यारह कहाँ से आए फिलहाल छोड़ो समझा भी सकता हूँ पर अभी जरूरत नहीं है ठीक है अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो पाँच से छह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये नौ था ये तीन था और अपना एच वन है पांच दो आंसर देने हैं तीन से पांच की क्लॉकवाइज दूरी सर दो घंटे तो साठ बटा ग्यारह इंटू दो नौ से पांच की दूरी सर चार घंटे मैंने बोला नहीं क्लॉकवाइज दूरी यानी नौ से पांच एक दो तीन चार पांच छह सात आठ घंटे होती है तो दूसरा आंसर आएगा साठ बटा ग्यारह इंटू आठ दो आ, नब्बे डिग्री दो बार बनता है तो दोनों टाइम होंगे दोनों आंसर देने पड़ेंगे ऑप्शन में या तो ए और बी ऐसा करके ऑप्शन मिलेगा या इन दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा पर नब्बे डिग्री के दो आंसर्स होते हैं बात समझ में है? ओके। तो ये आया दोस्तों यानी दस सहित दस सहित दस बटा ग्यारह और दूसरा आया सर चार सौ अस्सी बटा ग्यारह यानी तेलीस सहित सात बटा ग्यारह तो दो आंसर्स कौन कौन से हुए सर अपने दो आंसर्स हो गए एक हो गया पांच बज के दस सहित दस बटा ग्यारह दूसरा आंसर हुआ पांच बज के तयालीस सहित सात बटा ग्यारह दो आंसर्स देने हैं दो आंसर्स देने हैं ठीक है ऑप्शन में या तो इनमें से कोई एक मिलेगा या दोनों वाले ऑप्शंस होते हैं जैसा भी एग्जाम पेपर बनाने वाला चाहे वैसे यहां पूछना दस से ग्यारह के बीच नब्बे डिग्री मैंने बोला नब्बे डिग्री है तो तीन से भी चेक करोगे और नौ से भी चेक करोगे किसको करोगे सर दस को करूंगा नौ से दस की दूरी सर एक और तीन से दस की दूरी सर सात तो दो आंसर आए सिक्सटी बाई इलेवन तो फिक्स है एक बार उसको मल्टीप्लाई करो एक से और दूसरी बार उसको मल्टीप्लाई करो सात से यानी सिक्सटी बाय इलेवन यानी पांच पांच बटा ग्यारह और दूसरा फोर ट्वेंटी बाय इलेवन यानी तीन आठ दो बटा ग्यारह तो आपके दो आंसर्स हुए दस बज के पांच मिनट समथिंग और दस बज के अड़तीस मिनट समथिंग क्लियर है तो जीरो डिग्री में बारह से चेक करना है क्लॉकवाइज एक सौ अस्सी डिग्री में 6 से चेक करना है क्लॉकवाइज और नब्बे डिग्री में नौ से और तीन से दोनों से चेक करना है क्लॉकवाइज इज दैट क्लियर तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आए अपने क्वेश्चन पर आए बोले 6 और सात बजे के बीच में कब एक साथ होंगी एक साथ होंगी का मतलब जीरो डिग्री होता है एक साथ होंगी का मतलब जीरो डिग्री होता है छ और सात बजे बोल रहा है तो जीरो डिग्री में बारह से चेक करना है किसको छ को तो कितनी दूरी दूरी हुई है छ तो साठ बटा ग्यारह इंटू छः बोले तो तीन सौ साठ बटा ग्यारह बोले तो बत्तीस सहित आठ बटा ग्यारह तो आंसर हुआ अपना छः बज के बत्तीस सहित आठ बटा ग्यारह ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर ऐसा पहला ऑप्शन है छ बजकर बत्तीस सहित आठ बटा ग्यारह अगर मेरी बात समझ में आई है तो फटाफट से जितने भी लोग लाइव हैं वो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और मेरी टीम को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि पूरा डिटेल में समझा कर आगे बढ़ रहे हैं जी अगला क्वेश्चन देखो सात से आठ बजे के बीच तो एच वन क्या हुआ सर एच वन सेवन हो गया दोनों सुइया कितने बजे लंबवत होंगी लंबवत का मतलब क्या है नाइंटी डिग्री लंबवत का मतलब क्या है नाइनटी डिग्री 90 डिग्री के दो आंसर्स आते हैं दो आंसर्स आते हैं एक बार तीन से चेक करना है एक बार नौ से चेक करना है किसको चेक करना है सर सेवन को चेक करना है तो तीन से सात चार घंटे नौ से सात सर दस घंटे उंगली लगा गिन लो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस तो दो आंसर्स आए साठ बटा ग्यारह से मल्टीप्लाई करना है एक बार मल्टीप्लाई करना है चार को एक बार मल्टीप्लाई करना है दस को यानी दो सौ चालीस बटा ग्यारह और छः सौ बटा ग्यारह यानी इक्कीस सहित नौ बटा ग्यारह और चौपन सहित छः बटा ग्यारह तो ये तो मिनट की वैल्यू है सात बज के इक्कीस नौ बटा ग्यारह और सात बज के चौपन छह बटा ग्यारह अब जैसा ऑप्शन वैसा आंसर एक एक टाइम का ही है तो इनमें से कौन सा अवेलेबल है सर इक्कीस नौ बटा ग्यारह अवेलेबल है तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया फिर ये ये होगा तो ये नहीं होगा ऑप्शन में ये होगा तो ये नहीं होगा और दोनों वाले एंड 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 ऐसे करके भी हो सकता है ठीक है यस परफेक्ट भेजे में घुस रहा है भाई अरे बोलो रे भेजे में घुस रहा है कि नहीं जैसे आप पूछ रहे हैं विपरीत होंगी विपरीत का मतलब क्या होता है 180 डिग्री H1 क्या है सर H1 वन तीन से चार के बीच में H1 वन तीन होगा तो छह से चेक करेंगे विपरीत 180 डिग्री का आइडियल टाइम क्या आंख बंद करके याद किया सर छ तो छह से तीन की दूरी अब छ से तीन की दूरी ये तीन घंटे मत लेना क्लॉकवाइज लेना होता है यानी ऐसे लेना है अब आपको पता है कि ये नौ घंटे है तो अच्छी बात है नहीं तो उंगली लगाओ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ घंटे हो गए सर तो साठ बटा ग्यारह इंटू नौ एक्सपर्टीज कब आएगा जब मन में ही सोचा घड़ी वड़ी बनाई नहीं कि सर 180 डिग्री बोल रहा है मतलब छः से चेक करना है सर तीन को तो पूरा घुमा के बारह घंटे होता है उसमें तीन घंटे कम है तो नौ घंटे हुआ साठ बटा ग्यारह इंटू नौ मन में सॉल्व किया तो आया पाँच सौ चालीस बटा ग्यारह यानी फोर्टी नाइन वन 11 इलेवन फोर्टी नाइन वन इलेवन हो गया तो फोर्टी नाइन वन बाय इलेवन तीन बज के फोर्टी नाइन वन इलेवन ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर तीन बज के फोर्टी नाइन वन इलेवन ऑप्शन है क्लियर है भाई यस yes, परफेक्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन एक घड़ी प्रातः के दस बजे यानी टेन ए एम को सम का समय दर्शा रही है घड़ी में दोपहर के तीन बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी दोस्तों सुबह की दस सुबह की दस से दोपहर की तीन कितने घंटे हो गए कितने घंटे हो गए बताओ सर ग्यारह बारह एक दो सर ये पांच घंटे हो गए फाइव आवर्स मन में ही करना है आपके सामने बना के बस आपको समझा रहा हूं ठीक है कौन सी सुई सर घंटे की सुई घंटे की सुई एक घंटे में कितना डिग्री सर एक घंटे में तीस डिग्री तो पांच घंटे में कितना डिग्री सर डेढ़ सौ डिग्री डेढ़ सौ डिग्री बोले तो ऑप्शन फोर करेक्ट है हालांकि अगर डेढ़ सौ डिग्री ऑप्शन में ना मिलता तो हम तीन सौ साठ में से घटा के 210 डिग्री भी आंसर दे सकते हैं बट एक डेढ़ सौ ऑप्शन में है तो उसकी जरूरत नहीं है क्लियर है गाइस सबको ठीक है गुड चलो तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही बस आगे बढ़ने से पहले क्लास को खत्म करने से पहले जीतू ने आपके लिए कुछ लाइन्स लिखी हैं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है क्या रे यार अपने से तो नहीं होगा यार अपने से तो कई पांच हजार तो सीटें या दो हजार तो सीटें या सौ तो सीटें अपने से बेटर लोग तो बैठे हैं जो दस दस साल से तैयारी कर रहे हैं तो हार हो जाएगी मान लोगे तो पर जीत हो जाएगी जब ठान लोगे तो एक सीट भी है मैं करके दिखाऊंगा कोई और वो सीट पे जाएगा इसका मतलब मनुष्य जाएगा मैं जा सकता हूं तो ठान लेना दोस्तों जीत आपके कदमों में होगी घड़ी को कल कंटिन्यू हम लोग करेंगे घड़ी के और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आया हूं पर आज समय नहीं है हमारे पास तो और क्वेश्चन भी करते खराब घड़ी के क्वेश्चन बचे हैं खराब घड़ी के क्वेश्चन बचे हैं साथ ही साथ में दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब और एक स्पेशल क्वेश्चन है वो भी बचा है साथ ही साथ जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोग को कि अपनी रीजनिंग चालीसा की किताब बुकशाला पर और आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है मैं इस YouTube सीरीज़ में जिसका नाम भी रीजनिंग चालीसा हमने रखा है उसमें इसी किताब के अलग अलग चैप्टर्स के हर तरह के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ किताब मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत से बनाई है 670 पेज की ये किताब है डेफिनेटली आपको ये परचेज़ करनी चाहिए और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और इस बार का एम पी दे रहे हैं तो दस मॉडल पेपर्स की शानदार सी किताब जिसके साथ में वीडियो सॉल्यूशन, लिखित सॉल्यूशन फ्री दो मॉडल पेपर्स एक फ्री ऑल एमपी मॉडल पेपर सब कुछ है तो ये किताब बहुत कम मूल्य में मात्र साठ रुपये की रेट में आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर मध्य प्रदेश के हर जिले के हर महत्वपूर्ण बुक स्टोर पर उपलब्ध है आपको परचेज़ कर लेनी चाहिए अभी इस वीडियो में इतना ही अपना ध्यान रखें कल घड़ी को कंटिन्यू करते हैं तब तक के लिए इतना ही अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा खुश रहिए स्वस्थ रहिए लगातार पढ़ते रहिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं आप और हम मिल लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे नमस्कार